ग्वालियर में एक व्यापारी के बेटे से क्राइम ब्रांच का अवसर बताकर 3.2 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने परिजन के साथ ग्वालियर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारी के बेटे का दोस्त ही इस वारदात का मास्टरमाइंड निकला। दरअसल धनतेरस के दिन व्यापारी के बेटे का दोस्त उसे घूमने जाने का कहकर साथ ले गया था। दोनों कार से निकले थे, तभी एक i20 कार से आए बदमाश उनकी कार में सवार हो गए। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। दोस्त की कार से 2 कट्टे निकालकर व्यापारी के बेटे के हाथ में पकड़ाकर उसका वीडियो बना लिया। आरोपियों ने कार में ही बंधक बनाकर उनसे कहा कि तुम लोग कहां वारदात करने जा रहे थे बताओ। इसके बाद मामले के सेटलमेंट के नाम पर 20,000 कैश और 3 लाख रुपए कीमत के $ के लिए पुलिस ने 2.65 लाख रुपए की लूट की बात कही है। क्राइम ब्रांच थाना अंतर्गत एक किला गेट ग्वालियर क्षेत्र के व्यापारी के द्वारा शिकायत की गई थी। उसके बेटे को कुछ लोगों ने क्राइम ब्रांच का बता करके लगभग 2,65,000 रुपये ऑनलाइन कुछ ट्रांसफर कराए हैं, कुछ कैश भी लिए हैं, उसका मोबाइल भी जब्त किया है। उसको CSP क्राइम ब्रांच और उनकी टीम के द्वारा काफ़ी बारीकी से इसका अवलोकन किया गया और उक्त संपूर्ण घटनाक्रम को तस्दीक किया गया और जाँच की गई, जिसमें तथ्य सामने ये आया कि जो युवक है, व्यापारी का बेटा है, उसके मित्र के द्वारा ये पूरी कहानी गढ़ी गई थी, जिसने अपने अन्य 2-3 जो भी इसके इसमें अपराध में शामिल लोग हैं उनको ये टारगेट दिया था कि आप क्राइम ब्रांच बन करके इसके पास काफ़ी मात्रा में पैसे हैं और आप इसको धनतेरस में मैं इसको साथ में लेके आऊँगा, आप क्रिप्टो करेंसी का काम करने का बता करके इस उक्त युवक से पैसे की मांग करना और धमकाना। इसमें यश गोस्वामी नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने काफी पूरी डिटेल में कहानी का खुलासा किया है, साथ ही इसमें अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है।